हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। आप कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी सिल्क की साड़ी को इजीली से ड्रेप कर सकती हैं। काफ़ी छोटी छोटी सी टिप्स शेयर की है, बहुत ही इजी से स्टेप्स बता रखे हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी साड़ी को परफेक्टली एंड ईजिली ड्रेप कर सकती हैं। सो अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरी साड़ी एंड यहाँ पर पेटीकोट फुटवेयर ब्लाउज मैंने वेयर कर लिया है। पेटीकोट का नाड़ा मैंने राइट की तरफ बांधा है और ये मेरा ए लाइन कॉटन पेटीकोट है, एकदम सिंपल वाला। एंड ये जो साड़ी है इसका फैब्रिक सिल्क का है। तो सबसे पहले साड़ी को ओपन करेंगे। ये वाला पोर्शन साड़ी का पल्लू है, पल्लू वाला जो पोर्शन होता है इसे हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पर जाना है। बाय द वे, आपको साड़ी परचेज करनी है, परचेज डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए साड़ी का जो आखिरी सिरा होता है इसे आपको लेना है और आखिरी सिरे को रखना है राइट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड तक सामने के पार्ट को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कमर में टक करते हैं। तो पहले मैंने राइट में टक किया, फिर लेफ्ट में। इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको अच्छे से इंसर्ट करना होता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि फैब्रिक सामने फंस के टमी फूली फूली ना दिखे, इसलिए अच्छे से फिंगर की हेल्प से अपने जो फैब्रिक है उसको अंदर तक इंसर्ट करें। सामने का पार्ट टक होने के बाद साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे एंड यहाँ राइट साइड में आएंगे तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को सेट करना है। सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करेंगे। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हैं उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे, सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। सो ये वाला पार्ट हमारी साड़ी का पल्लू है, बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे, केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। अब हम पल्लू वाला पोर्शन इस तरह से सामने लेकर आएंगे और लेफ्ट राइट कहीं से भी प्लीट आप उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहेगा। सो मैं यहाँ पर राइट से उठाऊंगी, इसलिए लेफ्ट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टक किया है। एंड यहाँ पर देखिए अपने राइट वाले हैंड से मैं किस तरह से प्लीट उठाई हूँ। सामने की टू फिंगर को कैंची की तरह करते हुए फैब्रिक को फंसाना है, बैक के स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ते हुए हम वन बाई वन प्लीट बनाएंगे। यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे जो सबसे ऊपर वाली प्लीट होती है ना, ये सभी प्लीट से आपको हल्की सी चौड़ी रखनी है ताकि अंदर से अनइवन प्लीट ढक जाए। अब प्लीट बन जाने के बाद ऊपर की तरफ इक्वल करते हो अच्छे से आपको यहाँ पर पकड़ लेना है। अगर आप बिगनर है तो सिक्योर कर ले, अदरवाइज आप पकड़ के इस तरह से फैब्रिक को आगे लाते हो झटक दें, थोड़ा सा हैंड को हिलाते हो शेक कर ले और थोड़ी सी दूरी पे देखिए साइड से हम वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। साड़ी का फैब्रिक सॉफ्ट है इसलिए प्लीट देखिए की बार में इजीली से अरेंज हो गई है। इतना पोर्शन अरेंज हो गया, लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए देखिए फैब्रिक को लेफ्ट हैंड से पकड़े रहना है और इस तरह से फिर से झटकना है और थोड़ी सी दूरी पर फिर से हम साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम शोल्डर की प्लीट को सेट करते हैं। तो कभी भी अगर आप बिगनर हो तो एक बार में शोल्डर की प्लीट बनाने की कोशिश ना करें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते हुए आप प्लीट को सेट करें। देखिए लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे तो घुटने से नीचे मैं रख रही हूँ। एंड इसके बाद सेफ्टी पिन लेनी है एंड ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करना है। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे 1 या 2 इंच बैक में जाएंगे। पल्लू की प्लीट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन हम ब्लाउज के अंदर से लगाते हैं। तो इस तरह से अगर आप पल्लू को सेट करेंगे, पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा, अच्छे से शोल्डर पर सेट रहेगा। अब सामने की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर देखिए पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर है इसको सबसे पहले अपने चेस्ट पर इस तरह से अच्छे से सेट करना है। एक एक प्लीट को अच्छे से ठीक करना है, कोई प्लीट छुटी ना हो या दबी ना हो, उस बात का ध्यान रखना है। और पल्लू वाला पोर्शन बैक से घूमते हुए लेफ्ट की तरफ आएगा और यहाँ पर देखिए एक एक प्लीट को अच्छे से सेट कर लेना है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होना तो पहले ही आपका बाहर की तरफ आ जाए और आप उसे बैक साइड से खींचकर टाइटली से लेफ्ट की तरफ ठीक कर सकती हैं। तो एक एक प्लीट को सेट कर लेना है यहाँ पर ताकि सभी प्लीट्स उभर के नज़र आए। एंड यहाँ पर देखिए हिप के साइड जो पोर्शन आया इसको इस तरह से सेट करते हुए राइट हैंड साइड तक लेकर जाएंगे। इतना फैब्रिक हम मेज़र करके छोड़ देंगे, इस वाले फैब्रिक के हम प्लीट्स नहीं बनाएंगे। हमारे पास जितना भी फैब्रिक बच गया है अब इसकी हमें प्लीट्स बनानी है। सो यहाँ पर साड़ी के कलर का ही ब्लाउज पीस है, मैंने अभी तक नहीं निकाला, इस पर प्लीट्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लेफ्ट हैंड से प्लीट उठा रही हूँ, आप चाहे तो राइट से भी उठा सकती हैं, तरीका सेम ही होने वाला है। तो थंब और उसके बगल वाले 3 फिंगर से फैब्रिक को पकड़ लिया है, जो स्मॉल फिंगर अलग दिख रही है उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए मैं 1 बाय 1 प्लीट बना रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना
तो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आप किसी भी टाइप की फैब्रिक की ना प्लीट इस वाले ट्रिक से बना सकते हो, चाहे आप लेफ्ट हैंड वाले हो या राइट हैंड वाले हो, आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको इससे भी इजी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए, आपको एक प्लीट का फैब्रिक छोड़ देना है, इस वाले फैब्रिक को हम बाद में मैनेज करेंगे। अभी जो प्लीटें बच गई हैं ना, इनको हम अच्छे से देखिए इस तरह से पकड़ते हुए झटक देंगे। और साड़ी का फैब्रिक ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए साइड से मैं पकड़ के बस इस तरह से झटक दी हूँ तो नीचे तक सेट हो गई है। अब ऊपर की साइड से हम अरेंज करेंगे। चाहे हमारी प्लीट्स कितनी ही बराबर क्यों ना हो, हमें ऊपर की तरफ से अरेंज करना होता है बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए, साथ में हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए। ऐसा करने से हमारी सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है और नीचे से अनइवन फॉल साइड नहीं रहती है। सभी प्लीट को टमी के सामने रखते हुए पकड़ लिया कि, और पहली प्लीट को खोला है, राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हम पहली प्लीट को चौड़ी करेंगे। ऐसा करने से राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो गया और फर्स्ट प्लीट हमारी काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। अंदर से एक एक प्लीट को पकड़ते हुए इस तरह से झटक लेना है। और यहाँ पर देखिए हमारी प्लीट बन चुकी है। अब अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें मेज़र करना है, हमें कितना पार्ट अंदर टक करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से वन बाई वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। एक बार में टक नहीं करते, नहीं तो हो सकता है कोई प्लीट अंदर की तरफ दब जाए। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए प्लीट को हम पेटीकोट में टक करेंगे। टक करके मैं थोड़ा सा शेक करती हूँ ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए। अब अगर आपको लगता है कोई प्लीट दब गई तो हल्का हल्का स्प्रेड कर ले, इसी को कहते हैं हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग। तो देखिए हमारी सभी प्लीट्स नज़र आ रही है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको सामने से हटा लेना है, जो साइड का है लेफ्ट हैंड साइड का। एंड इन प्लीट को ना पेटीकोट के साथ पकड़ना है एक बड़ी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से। यहाँ पर देखिए हम पेटीकोट के अंदर से सिक्योर कर लेंगे इन प्लीट को। अब ऐसा करने से ये प्लीट तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप ना चाहो। अब राइट साइड की तरफ थोड़ा सा पार्ट ओपन करेंगे जिसमें राइट हैंड इजिली से जा सके, और जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैनेज करेंगे। तो पल्लू की प्लीट्स को अच्छे से ठीक कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको आपको बैक से घुमाते हो, अच्छे से बॉर्डर को सेट करते हो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आना है। अब ये जो लेफ्ट साइड की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैनेज करने के लिए राइट साइड की तरफ से राइट वाले हैंड को इंसर्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को राइट की तरफ पकड़ के खींचना है। यहाँ पर देखिए बॉर्डर आपका मुड़े ना, अच्छे से सेट करते हुए खींचे। एंड जितना आपको फिटेड रखना है उतना आप खींच सकती हैं, मैं जनरली घुटने तक फिटेड रखती हूँ। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आया था हमारा राइट साइड की तरफ, इसे ट्विस्ट करके कमर में टक किया है। ऊपर की जो लेयर हमने ओपन कर दी थी इसे भी हम यहीं पर टक करेंगे। एंड राइट साइड का ये जो पार्ट है ना, अभी हमारा पल्लू से कवर हो जाएगा। तो पल्लू की प्लीट्स को एक बार अच्छे से ठीक कर लेना है। एंड यहाँ पर अगर आपकी साड़ी सॉफ्ट है तो आपकी प्लीट्स इसी तरह से बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल लुक है ना, अब आप देख सकती हैं। सो इस तरह से आप अपनी सिल्क की साड़ी को बिना किसी के हेल्प के इजली एंड परफेक्टली ड्रेप कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।